लेकिन 10th आईसीएसई के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कमी है, इसलिए हम साउथ सिटी पीसीएमबी पर लेकर आए 10th आईसीएसई के बच्चों के लिए ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। आपके सारे सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फैकल्टीज जो सब्जेक्ट की बहुत स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज हैं, इनको सालों का अनुभव है और अपने अपनी जगहों पर उन्होंने जोन टॉपर्स बनाए हैं। क्लास 10th वर्क एनर्जी पावर चल रहा है, फोर्थ लेक्चर है आज, और आज के लेक्चर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन ये देखने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन दो टॉपिक्स आज देखेंगे आज के लेक्चर में डिटेल में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में विचार करते हैं। ताकि सर सबसे पहले क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सबसे पहली बात यह है कि हमें चाहिए कि इसका स्टेटमेंट लिखें। ठीक, और उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट लिख लें? पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बच्चा जैसे ही देखता है वर्क एनर्जी थ्योरम तो कीवर्ड पकड़ता है वर्क एनर्जी थ्योरम, डेरिवेशन को याद करके गया, उसने डिराइव कर दिया पेपर में, डिराइव हुआ तो हो गया। तीन नंबर का क्वेश्चन आया पेपर में, दो नंबर मिले क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो प्रूफ तो करना ही था, स्टेटमेंट भी लिखना था, इसलिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आखिर है क्या? नाम से समझ में आ रहा है वर्क और एनर्जी को आपस में रिलेट करने वाला कोई स्टेटमेंट, तो वही स्टेटमेंट इसका है। क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी is equal to change in kinetic energy of the body। दिमाग में क्या रखना है, बहुत ही important statement है, याद ही रख लीजिए पूरी तरह से, रट के रखना है, word by word याद रखना है, keywords miss हुए तो board के exam से marks कटेंगे, physics में जम के कटते हैं, सबसे कम मार्क्स आईसीएसई 10th में फिजिक्स में ही आते हैं, इसलिए इसे भूलना नहीं। कह रहा है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मैंने थोड़ा सा सम ऑफ बॉर्डर लिखना था, हाइट की वजह से बॉर्डर लिखना भूल गया, सम ऑफ बॉर्डर ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने फोर्सेस बॉडी पर काम कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस के वर्कडन को जोड़ लो तो जो टोटल वर्कडन आएगा वो बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो ये है कि W1 plus W2 plus W3 and so on, इस तरह की चीज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये W1 क्या है, कोई एक फोर्स लग रही है उसका वर्कडन, W2 क्या है, कोई एक फोर्स लग रही है उसका वर्कडन, W3 क्या है, कोई और फोर्स है उसका वर्कडन, एंड सो ऑन। इसको इस तरह लिख सकते हो F1 into D, इसको लिख सकते हो F2 into D, इसको लिख सकते हो F3 into D and so on, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर मैं इसको लिखूं F1 plus F2 plus F3 and so on, और सबके लिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह D कॉमन ले लिया इक्वल टू डेल्टा के, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारी फोर्सेस का सम दिखाई दे रहा है। सारी फोर्सेस का सम का मतलब हुआ कि ये हो गया F net into D equal to delta K, ये निकल आया। इस पूरे अबव स्टेटमेंट में जो कुछ भी मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है उसमें सबसे पहले तो याद रखना है कि टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स का जो वर्कडन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एग्जैक्ट बात ये, आपने अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मेंशन नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम्स में नंबर कटेंगे। अंडरलाइंड है कि ऑल द फोर्सेस लिखना ही लिखना है, ठीक, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो लिखना ही है।
बाकी ये स्टेटमेंट है कि जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो पहली फोर्स वर्क कर रही है, दूसरी भी वर्क कर रही, तीसरी भी वर्क कर रही, कम या ज्यादा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, परंतु जितनी फोर्सेस काम कर रही है उन सबका वर्क डन अगर जोड़ेंगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ये इसका लिटरल मीनिंग है। अच्छा, तो क्या इसका प्रूफ भी है आपके पास? बहुत बढ़िया प्रूफ है, आइए देखते हैं। प्रूफ को देखिए, बड़ा सिंपल सरल प्रूफ है। हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, इसे m मास का पार्टिकल बोलते हैं, और m मास का पार्टिकल आगे की तरफ किसी u वेलोसिटी से जा रहा है। इस पार्टिकल पर हम एक फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स को बोलते हैं f, और f नहीं f नेट। f नेट क्या है बच्चों? f नेट का अर्थ है कि 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 जितनी भी फोर्सेस इस पर लग रही हैं उन सबको जोड़कर जो टोटल फोर्स बनकर आएगी दैट टोटल फोर्स वुड बी कॉल्ड एज f नेट। अब इस f नेट से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, पर एक्सेलरेशन आने की वजह से ये बॉडी कुछ दूर चलते 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 एक्सेलरेट होते होते इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी सर? इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़कर हो जाएगी v। इस पूरे तमाशे में मेरे पार्टिकल ने कितनी सफर तय कर लिया होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट चली होगी, कितना सफर तय किया होगा? हम मानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो हमारी बॉडी का s के बराबर है। ठीक है, s के बराबर, गुड। क्या करें हम? अब कुछ खास नहीं, सुनते रहे। कह रहा था कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है और फोर्सेस का वर्क डन निकाल लेते हैं। अब ऑल फोर्सेस का वर्क डन निकालने के बाद अगर ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया, चेंज के बराबर, तो मतलब थ्योरम प्रूफ हो गई, और अगर टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आया तो मतलब थ्योरम प्रूफ नहीं हुई। तो चलो वर्क डन ही निकाल लेते हैं, आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी। Work done by all the forces. तो तुम कह रहे हो ना कि work done by all the forces का मतलब F net into D होता है। चेक करो जरा, प्रूफ किया तुमने, अलग-अलग work done निकाल के D common लेके F net बनाया था, तो वही चीज बने यार थी। अच्छा, तुम Newton's second law जानते हो कि F net की value ma होती है into D। तो बेटा m को अलग कर लो, a into D रख लो। अब इस a into D का बड़ा लोचा है, हम इसको टारगेट करना चाहते हैं। टारगेट कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s की जगह d, क्योंकि d डिस्प्लेसमेंट हम लिया है, 2 को नीचे भेज दें तो a into d की वैल्यू बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देख पा रहे हैं कि जो a आपके पास दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, a और d के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। तो ऊपर पुट कर दो, जब ऊपर पुट करोगे तो क्या आएगा? Work done by all forces equal to m, a into d की वैल्यू रिप्लेस करोगे क्या आएगा? v square minus u square upon 2। जरा बेटा मल्टीप्लाई कर लो, work done by all forces, और ये क्या होगा? पहले टर्म में मल्टीप्लाई कराओगे आएगा mv square by 2, दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई कराओगे आएगा mu square by 2। तुम जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है half mv square। v का मतलब v से नहीं है, v का मतलब स्पीड से। तो फाइनल स्पीड होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, और इनिशियल स्पीड होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये बन गया ऑल फोर्सेस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और जिससे तुम फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हो वही तो एक्चुअली चेंज है। तो आपके लिए प्रूफ हो गया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ छोटा सा, स्वीट सॉल्टी प्रूफ, सस्ता सा है, आराम से हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो बताई, जिस तरह लिखने के लिए तरीका आपको बताया, वो इम्पोर्टेंट है। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे वैसे अगर आप हमारी तरह लिखेंगे, और ये उसका छोटा सा प्रूफ। आप स्टेटमेंट ना भी बनाइए यहाँ पर तो भी इसमें नंबर नहीं कटेंगे, बस ऐसा साफ साफ लिख कर आइए, अलग अलग दिखाइए कि हमने कहाँ से इनपुट किया। चाहे तो हालांकि ये बहुत शोभा नहीं देता है, परंतु अगर आप ऐसे एरोज भी बनाएंगे पेपर में तो टीचर इससे ऑफेंड नहीं होता है, बशर्ते आपकी कॉपी गंदी ना हो। तो टीचर समझता है कि आपने रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ से एडी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करी, और ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये भी ऐसा मेंशन कर दीजिए, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इफ यू विश।
तो आप ये भी मेंशन कर दीजिए, कोई बुराई नहीं। आप देखें जिस तरह से पेपर में रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंटेशन भी आपको आ गया, क्या बात है। वर्क परिचित रंग के कोई सवाल भी हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, खेलते हैं सवालों पर। सबसे पहले आपको सवाल करने को मिलेगा अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। Acquires a velocity of 20 meter per second in 10 seconds. Find displacement, acceleration, force. इतनी चीजें बेटा आपको निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एक बॉल है जो कि 100 ग्राम की है, उसको एक्सेलरेट कराया गया यूनिफॉर्मली। वो शुरुआत में रेस्ट पर थी, फिर वो करते करते 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करती है 10 सेकंड में। तीन बातें पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स और मोमेंट, चार बातें पूछी गई। तो सबसे पहले डेटा को चोरी करो। डेटा कैसे चोरी होता है? मास देखा, टिक लिया, रेस्ट से चल रहा है इसका मतलब यू जीरो है। कितनी वेलोसिटी गेन करी उसने? 20 करी। कितने टाइम में करी? 10 में करी। आपके पास ऐसे बॉक्सेस नहीं होंगे, बट आप खुद से बॉक्स बना सकते हैं। तो आप तुरंत ही डेटा लिखिए। सबसे पहले मास की वैल्यू गिवन है 100 ग्राम। जैसे ही आपको ये बात पसंद आए तो अपने मन पे विचार करिए कि यार ये ठीक नहीं है। ग्राम से कन्वर्ट किसमें करें बेटा? किलोग्राम में, क्योंकि SI में आंसर लाना है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट की वजह से जीरो है। अच्छा, टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकंड से, स्पीड जो वो गेन कर ले रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड की। तो आप अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर बहुत बिलीव करेंगे तो बात बनेगी, यानी v इक्वल टू u प्लस at का सवाल लगाएंगे तो चलेगा। एक्सेलरेशन का मालूम नहीं, समय है 10, स्पीड है 20, एक्सेलरेशन आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माई एक्सेलरेशन। बड़ा आसान है एक्सेलरेशन पर विचार करना, एक्सेलरेशन हो गया। चलो चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बेटा 2 है और समय लग रहा है 10, तो बेसिकली ये कट गया, आंसर आया 100 मीटर। तुमसे वो फोर्स पूछ रहा है, तुम ध्यान से देखो कि फोर्स कितना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a। मास की जगह लिखा है 100 बाय 1000 किलोग्राम्स, पर एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा तुम्हारा 2, तो बेसिकली ये हो गया 0.1 into 2, यानी 0.2 न्यूटन का आ गया हमारे पास फोर्स। ठीक है मेरी बात? अब तुमसे वर्गन पूछेगा, तो वर्गन जो आखिरी चीज है वो निकालोगे तुम फोर्स into डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स आ रहा है 0.2 और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बेटा हमारा 100, तो लॉजिकली आंसर आ गया 20 जूल। अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना पार्ट पूछता, सिर्फ इतना जो ये वर्डन वाला है, तुम्हारे 10th बोर्ड में अब ये जो पोर्शन है ये पूछा जाएगा, ओनली दिस पोर्शन। अब ये पोर्शन पूछा जाएगा, अब इस पोर्शन को लगाने का तो ये तरीका है कि सब करके तुम वर्डन निकालो। और एक तरीका क्या है कि तुम जानते हो कि वर्डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम यू स्क्वायर। आप जानते हैं कि मास जो है वो 100 ग्राम है, तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, पर फाइनली स्पीड कितनी हो गई बेटा 20, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, तो इन स्पीड के 0 होने से ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अब आपके पास बचा है 1/2, 0.1 into बचा ये हो गया 400। आप इसको काटेंगे तो बनेगा 200 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 जूल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10th क्लास में ये सारा कुछ पूछने के लिए आपसे नहीं बताएगा, वो कहेगा कि सीधा वर्गन बताइए। और डायरेक्ट अगर वर्गन पूछेगा तो क्योंकि आपको पीछे का चीज पूछी नहीं है,
तो आप वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप यहां तक समय पहुंचेंगे नहीं, और जब पहुंचेंगे नहीं तो वो डराएगा नहीं। तो फिर अगर डायरेक्ट वो पूछे तो डायरेक्ट कौन से थ्योरम काम में लानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम काम में लानी है, और इसी से सवाल बनाने हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। आइए बढ़िया सवाल करते हैं। और देखो बेटा क्या सवाल है, सवाल बड़ा सीधा सच्चा अच्छा है। मैं सवाल फिर से लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, देख रहा हूँ बहुत ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ 100 ग्राम मूविंग 300 मीटर पर सेकेंड पेनेट्रेट्स या गेट्स एम्बेडेड इनटू अ ब्लॉक। लकड़ी का कोई ब्लॉक है एंड कम्स टू रेस्ट इन 20 सेंटीमीटर। ठीक कह रहा है, फाइंड रिटार्डिंग फोर्स कितनी दूरी में रुक जाता है, 20 सेंटीमीटर पर रुक जाता है, फोर्स पूछ रहा है। ध्यान दो, डेटा नोट करो, मास की वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 ये क्या बन गया बेटा, किलोग्राम। इनिशियल स्पीड ये फाइनल हो गई 0, और जब तुम इनिशियल स्पीड लिखोगे तो इनिशियल लिखोगे बेटा कितनी, 300 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखोगे बेटा, 20 सेंटीमीटर ना 100 से डिवाइड करके उसको क्या कर लेंगे, मीटर। फोर्स पूछना है तो सबसे पहले समझें कि चीज क्या है, सवाल क्या कहना चाहता है। आपके पास ये लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ था एंड यू हैड अ बुलेट, ये बुलेट जो है वो आगे आ रही है कितनी स्पीड से, 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट घुस जाएगी, और घुसने के बाद अंदर चलते चलते जहां पर 20 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा तो लॉजिकली उस 20 सेंटीमीटर पे जाकर ये रुक जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जवाब है हाँ। क्या रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, जवाब है हाँ खत्म हो गई। और जब एनर्जी खत्म हो गई तो कहां गई एनर्जी, तुम कहोगे सारी की सारी एनर्जी ये फ्रिक्शन में चली गई, जो लकड़ी के ब्लॉक के अंदर घुसा ना तो लकड़ी के ब्लॉक को छेद करके अंदर जाना था, उस फ्रिक्शन में हीट में साउंड में एनर्जी डिसिपेट हो गई, यानी सारी एनर्जी बटन में गई। तो मान लेते हैं कि जो रिटार्डिंग फोर्स है उसकी वैल्यू एफ है, एफ रिटार्डिंग, ये हमारी रिटार्डिंग फोर्स। तो जो रिटार्डिंग फोर्स वर्क कर रही है उतना ही एनर्जी में लॉस आ रहा है, बराबर लॉस। और तुम ये जानते हो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो रिटार्डिंग फोर्स को बेटा रिटार्डिंग रहने दो, मुझे नहीं पता वो कितनी है। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट को चेक करो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 20/100। काइनेटिक एनर्जी का चेंज चेक करें तो आप देखें कि फाइनली तो रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है बेटा, 0 है। और अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूं तो वो कितनी है, तो तुम कहोगे हाफ, एम की जगह आएगा 100/1000 और वी की जगह आएगा बेटा हमारा 300 का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये हो गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 0 - 1/2 × 0.1 कुछ नहीं, बस करते जाओ फिर अच्छा लगेगा आपको, मानो नीचे से उसको डिवाइड किया 5 आया, तो
तो रिटार्डिंग फोर्स को देखो, सबसे पहले तो रिटार्डिंग फोर्स के वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया, इसका फायदा मिलेगा अभी देखिएगा। 1/2 × 5 × 0.1 × 9 × 0 ले दिया हम लोगों ने, ठीक है, अच्छी बात है। ये जितने भी न्यूटन फोर्स आया यही हमारा फोर्स है और यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन मैं आपके छोड़ता हूँ, इस कैलकुलेशन पार्ट में कुछ नहीं रखा। जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जितनी भी एनर्जी थी वो सारी कहाँ चली गई, वो सारी की सारी एनर्जी चली गई फ्रिक्शन के या डिसिपेटिव फोर्सेस रिटार्डिंग फोर्सेस के वर्क डन पे। तो वर्क डन में चली गई आपकी सारी की सारी एनर्जी, तो एनर्जी को इक्वेट कर दिया। अब जो ये नेगेटिव साइन है वो एक्चुअली आपको क्या समझा रहा है, जरा देखिए नेगेटिव साइन क्या बता रहा है। तो मैं बताता हूं, नेगेटिव साइन शोस रिटार्डिंग नेचर। रिटार्डिंग नेचर का मतलब है फोर्स पार्टिकल को तेज नहीं कर रही, एक्सेलरेट नहीं कर रही, बल्कि रिटार्ड कर रही, और रिटार्ड करने से उसकी एनर्जी में कमी आ रही है। अच्छा, मतलब रिटार्डिंग नेचर शो कर रही है। हाँ, रिटार्डिंग नेचर शो कर रही है, क्या बात है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एनर्जी कंजर्व, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाई जाती है। इसी तरह की और प्रॉब्लम पे आएंगे, पर हम लोग सबसे पहले कहाँ पहुंचे। अब जो नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है वो है बेटा आपका एनर्जी कंजर्वेशन। अब बहुत डिटेल में एनर्जी कंजर्वेशन को देखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन देखो भैया, ये है तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत इतना आंसर देखना। कंजर्व करना क्या हो? बचा लेना, एक्स्ट्रा तो नहीं आ सकता लेकिन खत्म भी ना। बचाने का मतलब है कि जो फाइनल वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू है वो हमेशा बराबर रहेगी। फाइनल और इनिशियल वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी बेटा? सेम रहेगी, क्या बात है। यानी कम और ज्यादा नहीं हो रहा। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब होगा? यही मतलब होगा कि अगर आप कह रहे हैं किसी चीज को कंजर्व करने का मतलब ना वो खत्म हो ना नहीं क्रिएट हो, इसका मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये कि एनर्जी ना खत्म हो रही और ना क्रिएट हो रही, क्या बात। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है, सिंपल सरल स्टेटमेंट है, आपसे कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है एनर्जी के साथ, हवन किया जा सकता है एनर्जी के साथ? इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to other body or can change from one form to other form। एक तरह की एनर्जी से दूसरे तरह की एनर्जी बन जाए और एक तरह की बॉडी से दूसरे तरह की बॉडी में ट्रांसफर हो जाए एनर्जी का, ये तो हो सकता है। एनर्जी खत्म हो जाए नहीं हो सकता, एनर्जी क्रिएट हो जाए ये नहीं हो सकता, क्या बात। जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं आपके पास, आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम के ये मेन पोजिशन है जहां पर वो रेस्ट पर आएगा कभी ना कभी। अब यहां से पेंडुलम आगे जाता है, फिर पेंडुलम नीचे आता है, फिर पेंडुलम आगे जाता है, फिर पेंडुलम नीचे आता है। ये बॉडी का एक्सट्रीम पॉइंट है, और आप देखें ये भी बॉडी का क्या है बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट की पहचान ये कि पार्टिकल यहां से पलटी मारकर वापस आता है, और हम 9th क्लास में पढ़कर आए कि जहां से भी पार्टिकल पलटी मारकर वापस आएगा वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो,
दुनिया खुश, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो। यानी यहां वेलोसिटी जीरो होने का अर्थ यह है कि यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उसका अर्थ यह भी है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन यहां पर हाइट मैक्सिमम ट्रैवल कर चुका है पार्टिकल हमारा, देखिएगा ये रही पार्टिकल की हाइट और ये रही हमारे पार्टिकल की हाइट। इस जगह उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, इस वक्त इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। पर इसे देखिए, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम मिनिमम बोल देते हैं, और इसे ही हम लोग आम भाषा में जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो आप देखिए हो क्या रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसकी काइनेटिक कम होती जा रही, पोटेंशियल बढ़ती जा रही, जब ये वापस आ रहा है इसकी पोटेंशियल कम होती जा रही, काइनेटिक बढ़ती जा रही, जब इधर जा रहा है इसकी पोटेंशियल बढ़ती जा रही, काइनेटिक कम होती जा रही, जब ये नीचे आ रहा है इसकी काइनेटिक बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल कम होती जा रही है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो उसमें समझ क्या आ रहा है, समझ में सीधी सीधी सी एक बात आ रही है कि सर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी वापस से ट्रांसफर हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में। कब से कब ऐसा होता है, जब हम टुवर्ड्स मीन आते हैं, जब मीन पोजीशन की तरफ वापस आते हैं तो काइनेटिक बनने लग जाती है, और जब टुवर्ड्स एक्सट्रीम जाते हैं एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल बढ़ने लग जाती है। तो ये एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो रही है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। यानी अगर कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसमें एनर्जी का लॉस आए, एनर्जी हीट में डिसिपेट हो जाए, हीट वगैरह में डिसिपेट होने वाली एनर्जीज काम नहीं कर रही है, फोर्सेस काम नहीं कर रही है, तो ऐसा समय पे माना जाएगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो है वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, एयर ड्रैग एक ऐसा फोर्स है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी में कमी लाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, साउंड में वगैरह वगैरह चली जाती है। तो इस हीट और साउंड में एनर्जी ना जाए इसके लिए हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर मिनिमाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एयर ड्रैग नहीं दिया है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यही एग्जांपल बेटा फ्री फॉल के केस में देखते हो, एक पार्टिकल को ए पॉइंट से फेंका गया, ए पॉइंट से जब पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो इनिशियली उसकी स्पीड जीरो थी, तो जब ड्रॉप करते करते कुछ एक्स नीचे आ गया, हम काइनेमेटिक्स से नाइन्थ क्लास में प्रूव करके आए इसकी कुछ स्पीड हो जाती है सो एंड सो, जो लिखा है रूट टू जी एक्स वो ठीक है, परंतु आपको दिख रहा है स्पीड बढ़ रही है, आखिरी में रूट टू जी एक्स गिरफ्तार हो जाती है इसकी। आप देखें कि जब सी पॉइंट पर है तो इसका जो जीपीई है वो जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये बहुत तेज हो चुका है, यहां पर जीपीई कुछ ना कुछ है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यहां पर अगर देखोगे तो जीपीई तो मैक्सिमम है लेकिन क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। देखिए धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी पोटेंशियल ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कैसा रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो डेरिवेशन है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बराबर कांस्टेंट, ये इतना शानदार इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पेपर में, इतना शानदार इंपॉर्टेंट है कि मैं यही आपको डील कराता हूँ, पेपर में आती है डेरिवेशन, बच्चा गलत भी करता है, तो चलो ये भी डेरिवेशन हम लोग आपके लिए कुछ खेलते हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल और है इसके बाद डेरिवेशन कराता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पत्थर है जिसे आपने इंक्लाइन से फेंका, हम किसी भी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं, सॉरी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो आप जमीन से h हाइट पर हैं, यानी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि अभी आपने इसको वेलोसिटी नहीं दी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो लिखकर दे रहा है। जब आप इसे नीचे ढूंढाएंगे तो देखें आप कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि हाइट घटी है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर देखो और नीचे आएंगे पोटेंशियल और घटेगी, काइनेटिक और गेन होगी, फिर पोटेंशियल और घटेगी, काइनेटिक और गेन होगी। फिर आप देखें जमीन पर जब आ गया तो पोटेंशियल जीरो और सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कन्वर्ट किसमें हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। परंतु आपको ये बात समझ में आई कि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कांस्टेंट है ना,
यानी जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना काइनेटिक घटेगा, जितना पोटेंशियल घटेगा उतना काइनेटिक बढ़ेगा। अच्छा, मेरा प्रूफ करके दिखाओ इसको, प्रूफ करके देखते हैं बेटा, काम की बात है, प्रूफ करनी ही पड़ेगी। ये आपके लिए कुछ बना दिया, नीचे ग्राउंड बना दिया, कहा कि पार्टिकल यहां था, बॉल मान लेते हैं एम मास की, इसे ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का अर्थ हम नाइन्थ में सीख चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इस पर लगने वाला अगर एक्सेलरेशन मार्क करने जाओगे तो वो हमेशा क्या लगेगा बेटा, लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलते चलते पार्टिकल कभी यहां आ गया, जब यहां आया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, वी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो मेरा पार्टिकल है उसकी ओरिजिनल जो हाइट थी वो एच थी, पर आज जो वो चलकर आया है वो मान लेते हैं कि x चलकर आया है। तो जमीन से कितनी हाइट पर आज की तारीख में मेरा पार्टिकल है, तो आप कहेंगे कि सर h माइनस x पर। हम इनिशियल पॉइंट को a बोलते हैं और फाइनल पॉइंट को इसको बोलते हैं b। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहां पे इसको x माना है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं। x की वैल्यू बदलते जाओगे, कम ज्यादा करते जाओगे, तो जो केस x के लिए प्रूफ होगा वो ऐसी सारी वैल्यूज के लिए प्रूफ होगा। तो चार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ द एनर्जी कंजर्वेशन फॉर वन पॉइंट ओनली वो हमेशा काम करेगा। तो चलो a पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी चेक करते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ग्राउंड पे हम जानते हैं कि gpe क्या मानते हो बेटा, जीरो मानते हैं। तो a पॉइंट पर तो h हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mgh, क्योंकि ड्रॉप किया गया है इसलिए इनिशियल स्पीड जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। नाउ b पॉइंट पर चर्चा करो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक निकालो। मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा रही है बच्चों mgh माइनस x। सर mgh क्यों नहीं लिख रहे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो देखा जाता है, ऊपर से कितना नीचे है वो नहीं देखा जाता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर यहां पर? हाफ एम वी स्क्वायर होगी। झंझट सारा वी का है, अगर वी पता चल जाता तो बात बन जाती। तो मोशन टू ग्रेविटी वाला फॉर्मूला यहां लगाने की कोशिश करो, वो कांसेप्ट यूज करो। तो हम लिख रहे होंगे बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखें फाइनल वेलोसिटी v है हमारी, ये जो लिखी हुई है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो 0 है, एक्सेलरेशन की जगह g लिख रहे हो और डिस्प्लेसमेंट की जगह x लिख रहे हो, तो v स्क्वायर की जगह आ गया बेटा क्या 2gx। तो ये v यहां रखा जा सकता है, जैसे ही बेटा ये v यहां रखोगे तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला बनेगा, देखो क्या, mgh माइनस mgx प्लस हाफ एम और v स्क्वायर की जगह कितना आ रहा है बेटा 2gx, 2 से 2 कैंसिल करो, तो तुम्हारे लिए क्या आया बेटा mgh माइनस mgx प्लस mgx। और तुमने ये देखते ही कहा कि सर ये mgx और ये mgx तो आपस में कट गए, और कट गए तो आंसर कितना आया mgh। अरे b पॉइंट पर भी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही है mgh, और a पॉइंट पर भी जो टोटल एनर्जी वो कितनी आ रही है mgh। और अब कहोगे c पॉइंट पर प्रूफ करो, d पॉइंट पर प्रूफ करो, कहेंगे नहीं बे ये x की वैल्यू को बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, कहीं भी रह सकते हो, x की वैल्यू बदल कर तुम यहां भी हो सकते हो, 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 बॉटम पे भी हो सकते हो। अगर इस पूरे डेरिवेशन में x का खात्मा ही हो जाता है, x खत्म ही हो जाता है, वो बचता ही नहीं है, तो तुम्हें समझ में आया कि ये जो प्रूविंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी हम कहां खड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी टोटल रहेगी mgh mgh। तो ये आपकी टोटल एनर्जी है, अब क्योंकि टोटल एनर्जी mgh आ गई, बात बन गई, a पॉइंट पर भी mgh, b पॉइंट पर भी mgh, c पॉइंट पर भी mgh, d पॉइंट पर भी mgh, और सारे पॉइंट्स पर कितनी mgh। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कितना हो गया बेटा mgh हो गया। तो आप तुरंत ये बात कहने लगेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इस mgh, mgh, ये mgh की टोटल फॉलिंग एनर्जी। अब ये घटेगी या बढ़ेगी, एनर्जी नहीं घटे बढ़ेगी, एनर्जी उतनी रहेगी, पोटेंशियल घटेगी काइनेटिक बढ़ेगी, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो काइनेटिक घटेगी पोटेंशियल बढ़ेगी हाइट गेन करेगा, पर टोटल रिमेंस सेम।
अगर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि फ्रिक्शन नहीं है, लॉस नहीं हो रहा है, रिटार्डिंग फोर्सेस नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व ही रहेगी, इनिशियल और फाइनल बराबर रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको आपकी किताबों में मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स में मिलेंगे, जहां आप कंफ्यूज होते हैं। लेकिन पहले इसे फील ले लेंगे क्या चीज है, जो चीज है बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, इसे आप ग्रैप कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम को ग्रैप करिए, उससे रिलेटेड जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराया उनको ग्रैप करिए, उसके बाद ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट और उसका जो प्रूफ है वो मैंने प्रूफ भी आपको कराया फ्री फॉल के केस में, उसे आप ग्रैप करिए। Once you get this, तो इसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के सुपर डुपर हिट प्रॉब्लम्स करेंगे, सेलेना बुक के भी करेंगे और दलाल बुक के भी करेंगे, बहुत सारे और भी आती हैं पब्लिकेशंस, सब पर काम करेंगे। ठीक है बिल्कुल। तो हम लोग लगभग एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को कर चुके हैं, हम लोगों ने कवर कर लिया है। प्रॉब्लम्स के साथ डील करना बाकी, तो प्रॉब्लम के साथ आगे डील करें। फिलहाल हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, आज लेक्चर में ओवर करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को दो बार देखिए, रिवाइज कर लिए, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। मिलेंगे साउथ सिटी पीसीएमबी पर ही, हम कर रहे हैं आईसीएससी 10th का कोर्स कवर। आईसीएससी 10th को कम लोग कवर करते हैं, हम कर रहे हैं आपके साथ, पूरे साल पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे वैसे ही पेपर में आएगा, जोन टॉपर्स बनाए, इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप भी टॉपर हो जाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ।